यहाँ सामने देखिए मैम, सामने देखिए सेंट्रल लुक एक कनेक्शन, यहाँ देखिए सामने डायरेक्टर साहब आइए ना, जाइए ना, हाँ जाइए, आइए आइए सर, सर सर सबको फिल्म। थैंक यू।
लॉन्च किए क्या कहेंगे सर? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपना कैंपेन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो हम लोग फिल्म बना रहे थे, जब शूटिंग शुरू हो गई उसी समय हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ से अपना कैंपेन शुरू करें, और जो हमारा मान लिया, हमारी इच्छा जो थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने जो हीरोइन है आपने लॉन्च किया है उनका ये है, जो नए कलाकार लेके आपने फिल्म बनाया, क्या तजुर्बा रहा शूटिंग में आपका? देखिए शुरुआत में तो डर बहुत था, धीरे 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 जब शूट करते गए और कॉन्फिडेंस बन गया, और आज की डेट में अगर आप पूछे तो बहुत ही फैंटास्टिक तजुर्बा। स्मृति दोनों हमारे जितना सपोर्ट किया मुझे, जैसा कि आप सबको पता ही है मेरी भी पहली फिल्म है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, और इस वजह से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अच्छी टीम मिली है, अच्छे प्रोड्यूसर मिले हैं, बहुत हमारा सपोर्ट है, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और सर इनका नोक झोंक कुछ शूटिंग के वक्त आपको लगा? नोक झोंक क्या, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हुए पूरी शूटिंग कर गए। एग्जैक्टली हम लोग तो क्रिकेट खेलने में शूटिंग कर गए, और पता नहीं चला कि हम लोग 42 डेज में शूटिंग कंप्लीट कर लिया, लगा कि अभी कल शुरू किया आज खत्म। अभी ये किस तरह की फीलिंग हुई, और जिस तरह से इन लोगों ने, प्रोड्यूसर ने हमारे विनय जी ने, जिस तरह से विजय जी के मदद की, जिस तरह से सपोर्ट किया, सचिन बहुत ही हाँ। तो विजय जी क्या कहेंगे यार, पैसा लगा दिया? देखिए सबसे पहले तो पूरी टीम की मैं तारीफ करना चाहूँगा,
ये वास्तव में ऐसी भाग्यशाली टीम भाग्यशाली लोगों के लिए ही होती है। भले नए हैं परंतु एनर्जेटिक है और कुछ कर गुजरने की क्षमता सभी में है। हमारे डायरेक्टर साहब हीरोइन वास्तव में जब हम कास्ट कर रहे थे दोनों को डर तो मन में था लेकिन विश्वास इतना था कि बहुत अच्छा होगा। और पापा के आशीर्वाद से आज देखिए जब आप थिएटर में सार्थक कुमार को देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएंगे कि इनकी पहली मूवी है। ऐसा लगेगा कि मंझे हुए खिलाड़ी है। हमारे देव जी तो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं वास्तव में, लेकिन ये दोनों को आप देखेंगे तो वास्तव में भी लगेगा कि नहीं डायरेक्शन टॉप क्लास का हुआ है, एक्टिंग बढ़िया हुआ है। और यह उम्मीद करेंगे हम सर सभी प्रोड्यूसर एक हॉल बुक करते हैं अपना पोस्टर लॉन्च करने के लिए, बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं, लेकिन आपने पहले से सोच के रखा था कि अंधेरी पापा के साथ में जाके हम लॉन्च करेंगे? ये तो मैंने नहीं सोचा था बट पापा ने मुझे बुला लिया, इससे बड़ा सौभाग्य और प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पापा ने मुझे बुला लिया और उनके लिए तो पूरा दुनिया ही हॉल है। देखिए सबसे पहले तो अभी मैं बताया ना कि मैं अपनी टीम के साथ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी टीम मिली और सबसे बड़ी चीज़ है ऑप्टिमिस्ट और एनर्जेटिक मिली और हम इसको बहुत आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं। बप्पा के आशीर्वाद से आप लोग के स्नेह और प्यार से हमारा 7 अक्टूबर को बहुत अच्छा जाए ये हम पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग के बीच। थैंक यू। सबसे पहले आपको पता होगा या जो मुर्गी है पूरी तरह से हम लोगों ने झारखंड में शुरू किया। झारखंड मतलब जंगल के रूप में ही जाना जाता है और झारखंड में वास्तव में अभी वन बचाने का एक हम लोगों द्वारा पेड़ वहां कट रहे हैं तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर ने और प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूसर्स टीम ने ये सोचा कि क्यों ना इसको इस तरह से कर दिया जाए। हमारे आर्टिस्ट का इतना सहयोग रहा कि हमारे यहाँ भी प्रचलन भी है झारखंड में, वहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है तो उस महोत्सव में क्या होता है कि हम राखी बांधते हैं पौधों को पेड़ों को कि उससे क्या है कि उस पेड़ को कम से कम कोई छुए नहीं देखे नहीं तो काटे नहीं तो इस तरह से क्या है कि ऑटोमेटिक एक इतना आस्था और विश्वास हो जाता है कि नहीं यह पेड़ यदि हम काटेंगे तो जो पेड़ काटने वाले भी लोग हैं वह भी डरते हैं कि यह पेड़ को हमको छूना नहीं चाहिए तो इस तरह से वहाँ के प्रचलन को हम पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं कि इस तरह से सेव द ट्री हो और हमारी मूवी के माध्यम से हो, इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए और क्या है। थैंक यू।